जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बछलौता में रविवार की दोपहर 11,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव के गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के दो ट्रांसफार्मर एक साथ बिजली विभाग ने लगा रखे हैं। वहीं ग्रामीण विनोद कुमार ने बताया कि कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं ग्रामीण सुखपाल का कहना है कि ग्राम प्रधान और बिजली विभाग के कर्मचारियों को शिकायत देने के बाद भी सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया। तो इसीलिए कर रहे थे, यहाँ बस्ती की सारा ही खतरा है, बालक बच्चे भी हैं, मकान बने हुए हैं, आए दिन इसमें आग लगती रहती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सहायता करे और ये हमारे ट्रांसफार्मर हट जाए। घटना अभी उसमें भजनपुरे में कल ही मौत हुई है इसी 11,000 लाइन से ही, और ये हमारे यहाँ आ रही है, अर्थिंग उतर जाती है मकान में भी। क्या आपने शिकायत दी थी पहले? जी, पहले शिकायत दी थी, एक एप्लीकेशन पहले लगाई है। बिजली विभाग ने कोई सूचना तो बात ही नहीं करी, कोई अभी तक कोई बात ही नहीं हुई उससे, एप्लीकेशन ही ठप करके फेंक दी। हमारी ये मांग है कि ये जोड़े हटने चाहिए, ये एक मौत हो गई है यहाँ 11,000 वाली लाइन का। हमारे घर के सामने हमारे बच्चों को खतरा है, ये ट्रांसफार्मर हटना चाहिए। इसका ये मामला ट्रांसफार्मर का है, रस्ते में वैसा पड़े जी, यहाँ पे बस्ती है जी, और जी यहाँ मकान ही बने हुए हैं साहब, आज दिन दुर्घटना होती रहती है, आग लगती रहती है इसमें। और अभी फिलहाल में जल्दी में भजनपुरे में 11,000 से मौत हुई है जी, वो भी बस्ती के ऊपर जारी थी जी। क्या चाहते जी आप, इनका समाधान करें जैसे चाहते हो आप, ये ट्रांसफार्मर हटने चाहिए जी, हमारे भी बच्चों को निजात मिलनी चाहिए इससे। जी हटना चाहिए, मकान के आगे आ रहा है, मकान पे यहाँ से हटना चाहिए। आए दिन यहाँ आने जाने वाले लोगों को खतरा बना रहता है, बारिश के समय गांव के मुख्य रास्ते से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो बारिश के समय चिंगारी होने से दीवार पर बिजली अर्थ लेकर करंट छोड़ देती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।